क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं भाई साहब, परेशान करे व्लॉग के टाइम। अरे भाई जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल। सो एज इट इन द टाइटल, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू चेंज द रियर ब्रेक पैड ऑफ RR310, दैट इज द माय बाइक RR310। करंटली माई RR310 क्लॉक अराउंड 13,800 समथिंग किलोमीटर्स, और जो रियर ब्रेक पैड है जो फर्स्ट टाइम मैं चेंज कर रहा हूँ, और अभी भी उसके अंदर थोड़ी जान बाकी है, जैसे मैं अभी रिमूव करूंगा इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ब्रेक पैड आपको दिखा दूंगा। सो जो रियर ब्रेक पैड है जो मेरे पास हैंडी है, बिकॉज सेकेंड सर्विस का व्लॉग जो RR310 के मैंने अपलोड किया था, तो उसमें मैंने दिखा दिया था कि मैं मेरे साथ फ्रंट एंड रियर ब्रेक पैड्स, स्पार्क प्लग, क्लच केबल एंड एक्सलेटर केबल दोनों भी कैरी करता हूँ, बिकॉज एज यू गाइज नो आई राइड अ लॉट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव हैंडी विद दिस डिवाइस, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच यू शुड ऑलवेज हैव विद यू वाइल राइडिंग। सो मेरे पास रियर ब्रेक पैड तो है ही, सो आई कैन चेंज इट। ऑल्सो आई एम रिलीजिंग दिस व्लॉग इन मिडल ऑफ माई टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया राइड्स, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द रीजन फॉर मेकिंग दिस व्लॉग इज क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि यार उनका जो क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं भाई साहब, परेशान करे व्लॉग के टाइम। अरे भाई जाना, क्यों आवाज कर रहा है क्योंकि उनके घर की लोकेशन से TVS का जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, यहाँ पे RR310 की सर्विस होती है, वो मोर देन 300-400 किलोमीटर्स है। सो उनके केस में उनको पॉसिबल तो नहीं, अगर उनके बाइक के करंट ब्रेक पैड की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू देम टू ट्रैवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ओनली चेंजिंग द रियर ब्रेक पैड। सो आई जस्ट थॉट मेक ए वीडियो ऑन दिस एंड गाइड यू गाइज, जैसे मैं पास में और अभी भी करते आ रहा हूँ। इन पास मैंने ऑलरेडी मेरे जिक्सर के रियर और फ्रंट दोनों भी ब्रेक पैड कैसे चेंज करते हैं उनकी वीडियो अपलोड की है, यहाँ पे आई बटन में आ जाएगा। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू चेक आउट, यू कैन चेक इट आउट। मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स तो पता है हमारे चैनल्स में कैसे व्लॉग्स आते हैं। अगर आप लोग के ये व्लॉग्स कोई फोरम से आपके दोस्तों ने सर्च किया है व्हाट्सअप के ऊपर, सो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अपने चैनल पर ऐसे ब्यूटीफुल वीडियो आते रहते हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर लेना ये वीडियो, अभी भी नहीं पहले देख लीजिए पूरा वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। सो इस वीडियो के बाद अपने टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के व्लॉग्स कंटिन्यू हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, व्लॉग आएंगे। उसके बाद अपने हैदराबाद के व्लॉग्स आने वाले, और उसके बाद अपने कोकण मालवण के भी व्लॉग्स है वो भी आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ रियर ब्रेक पैड, फ्रंट ब्रेक पैड विच कॉस्ट अराउंड 2,236 वो भी मेरे पास है, और ये रियर ब्रेक पैड जिसकी कॉस्ट है 1,050 रुपीज। आप देख सकते हो उसकी पैकेजिंग डेट 7 जुलाई 2018, इसकी भी सेम ही है। सो अभी रियर ब्रेक पैड चेंज करेंगे, और अभी भी फ्रंट ब्रेक पैड में थोड़ी जान बाकी है, तो उसको बाद में चेंज करूंगा। डोंट वरी, आई एम गोना मेक ए वीडियो चेंजिंग द फ्रंट रियर ब्रेक पैड टू। सो फॉर चेंजिंग द रियर ब्रेक पैड क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कैलिपर लगेगा, एक स्क्रू भी लगेगा, उसको दिखा देता हूँ कयूस, और ये हथौड़ा भी लगेगा। इंस्टेड ऑफ ट्रैवल कर रहे हो तो हथौड़े की बजाय आप कोई पत्थर भी यूज़ कर सकते हो, बट ये चीज़ आपको हैंडी रखनी है आपके साथ हमेशा फॉर राइडिंग। आपको दिखा देता हूँ क्यों। सो बाइक इज हियर, करी बाइक की वैक्स पॉलिश की है, सो चकाचक चमक रही है। हाँ, अगर आप लोगों ने वैक्स पॉलिश का व्लॉग्स नहीं देखे तो यार अपने चैनल पे अपलोडेड रहते ऑलरेडी, सो देख लीजिए यहाँ पे आई बटन में अभी लिंक आई हो रहेगी, हाउ टू डू द वैक्स पॉलिश ऑफ RR310 वीडियो इज अप ऑन आवर चैनल। तो रियर ब्रेक पैड है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। करंट रियर ब्रेक पैड आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पिन है वो हम कैलिपर से रिमूव कर देंगे। उसके बाद लोग के पास स्क्रू है, उस स्क्रू को यहाँ से ठोक के तो ये जो पूरा रॉड है वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और वो रॉड निकलने के बाद ये दोनों भी डिस्क पैड है जिसके लॉक है यहाँ पे और एक यहाँ पे, वो डिस्क ब्रेक पैड बाहर आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस पिन थ्रू दिस कैलिपर। सो ये अपनी पिन आ गई बाहर, सो ऐसी रहती है पिन, वो बाहर आ गई, इसको बाजू में रख देता हूँ। अभी हमें इस रॉड को ठोक के बाहर निकालना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो रॉड जो है बाहर आ चुका है। लेट मी रिमूव इट। सो ये ऐसे होता है रॉड, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। सो इसको भी बाजू में रख देता हूँ। सो अभी स्लाइड ये है दोनों ब्रेक पैड, इसको रिमूव कर लेता हूँ। सो
ये रिमूव हो गया राइट हैंड साइड का ब्रेक पैड, और ये रिमूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड का। इसकी लाइफ देख लीजिए आप, कितनी लाइफ बाकी है अभी इसके अंदर। सो ये इतनी लाइफ बाकी है इस ब्रेक पैड की। और यहाँ पे जो एजेस रहते हैं वो देखने हैं हमको, अगर वो यहाँ पे कट होते जाते हैं तो वी हैव टू चेंज इट। ये साइड देख लीजिए बहुत कम है और ये साइड ज़्यादा है। सो ऐसे नहीं कि आपको बाहर के साइड से इतना ज़्यादा दिखता है, सो वी हैव टू वेट। इट्स ऑलवेज बेटर टू चेंज द रियर ब्रेक पैड जब भी आपको ये लेवल पर आ जाए, बिकॉज आपकी डिस्क डैमेज हो सकती है, एज दीज आर द सिंथर ब्रेक पैड्स, नॉट द नॉर्मल वन। ये भी आप देख लीजिए, एक बार आपको कंपेरिजन दिखा देता हूँ न्यू ब्रेक पैड से। सो ये है नए ब्रेक पैड, इसकी हाइट देख लीजिए आप, ये देख लीजिए नए ब्रेक पैड और पुराने ब्रेक पैड। सो कितनी रियल में कितनी लाइफ रहती है उसकी, और ये आफ्टर यूज़, सॉरी फॉर डर्टी हैंड्स। इसी कॉर्नर की आप बात कर रहा था, आप देख लीजिए कॉर्नर कैसे है। सो इस कॉर्नर को आपको देखना है पॉइंट में, ना कि ये स्ट्रेट लाइन्स। सेम कॉर्नर कट्स यहाँ पर ऐसे भी है, एंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू यू कैन चेक इट आउट। ये देखिए दोनों भी एजेस, इसकी भी दोनों एजेस, जैसे हमने रिमूव किए थे वैसे इसको अंदर इंस्टॉल भी करने हैं। सेम ये साइड यहाँ पे जाएगी। अब आपने इस ब्रेक पैड को रिमूव कर दिया है तो एक बार उसको आपकी डिस्क को भी पूरा टायर रोटेट करके क्लीन कर लीजिए, अगर आपके पास पैडॉक स्टैंड है तो। नहीं तो अभी आपको तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा पैडॉक स्टैंड यूज़ नहीं करना हूँ अभी, तो बाइक थोड़ी आगे लेके जाता हूँ। नाउ आई विल इंस्टॉल द न्यू वन। सो ये एज यहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक पैड अंदर जा चुका है। अभी आप ब्रेक पैड रिमूव करोगे तो यहाँ से जो कैलिपर है वो बाहर आ चुका होगा, तो उसको अंदर की तरफ पुश करना है। उसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर लगेगा, तो उसको यहाँ से ऐसे दबा के उसको अंदर डाल दीजिए। यहाँ पे थोड़ा बाहर आ चुका था, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं बाइक को तो ये कैलिपर बाहर आके ब्रेक पैड को यहाँ पे पुश करके डिस्क को स्लो कर देता है, दैट मीन आपके बाइक का ब्रेक लगता है। आपके ब्रेक पैड के घिसने के हिसाब से उतना कैलिपर बाहर आया हुआ रहता है, तो उसको अंदर डाल दीजिए। सो अभी कनेक्ट करते ही हैं राइट हैंड साइड वाला, ये होल का पोर्शन अपने साइड पे आएगा ऐसे। दैट्स इट। अब ये जो रॉड है उसको अंदर के साइड से पुश करना है। सो ये रॉड अभी बैठ नहीं रहा है, उसको यहाँ से पुश करेंगे। तो ये यहाँ पे आ गया, अब एडजस्ट करते हैं राइट हैंड साइड का, उसके अंदर भी चला गया ये। और बिफोर दैट इसको वापस बाहर निकाल के ये जो पिन इंस्टॉल करनी है तो इसका वहाँ पे होल रहेगा, उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना ताकि ऊपर की तरफ आए। ओके आई कैन एडजस्ट सी, ये जरा होल तो उसको प्रॉपरली हमें एडजस्ट करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे पुश कर दिया। सो फ्रेंड्स रॉड तो लग चुका है और आप देख सकते हैं होल यहाँ पे आ चुका है, तो अब इसके अंदर हम पिन इंसर्ट करेंगे। लेट मी शो यू। तो ये रही पिन, इसे इंसर्ट कर देता हूँ ऐसे, और ये लॉक अंदर बैठ गया परफेक्ट। तो ये हमारे न्यू ब्रेक पैड इंस्टॉल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। लाइट लगा लेता हूँ, अभी आप देख सकते हैं न्यू ब्रेक पैड, दिस इज़ द लेफ्ट वन और ये राइट वन, परफेक्ट इंस्टॉलेशन हो चुका है। वन थिंग आई वांट टू मेंशन यू गाइस, अभी आपने जैसे नए ब्रेक पैड इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ब्रेक की जो ग्रिप है, जो ब्रेकिंग है वो प्रॉपर नहीं लगेगी, क्योंकि नए ब्रेक पैड को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप बोलोगे यार नए ब्रेक पैड डाले उल्टा ब्रेकिंग थोड़ी अलग रह गई, थोड़ी वीक लग रही है, तो ये होगा, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर सर्टन यूज़ अपने ब्रेक पैड परफेक्टली वर्क करने शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स इट इन दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक बटन दबा दीजिए यार, हमें अच्छा लगेगा। एंड हाँ, अभी आप द वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। आज सभी का मूड है मुझे डिस्टर्ब करने का, सुनिए क्या करें, आज व्लॉग बनाने ही नहीं दे रहे लोग। लिसन चिल्ला लो भाई, जितना चाहे उतना चिल्ला लो।